हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं न्यू रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, चॉकलेट डोनट, जिसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया है, दो टेबलस्पून शुगर पाउडर ली, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर लिया है, वन टेबलस्पून ईस्ट लिया, और इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स करना है और इसके अंदर मैंने गर्म दूध ऐड करना है ताकि अच्छी सी डो बन जाए। आप लोगों ने अपने मुताबिक मतलब दूध ऐड कर लेना है, जितनी नरम डो बने उतनी अच्छी होती है। एक हाथ में मेरा कैमरा तो मुझे मुश्किल हो रही थी, इसलिए मैंने पहले डो गूंद ली, उसके बाद वन टेबलस्पून मैंने बटर ऐड किया इसमें, और ये बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाएगा, इसको रेस्ट पर हमने रख देना है। फिर तो मैं इसको अच्छे तरीके से बटर को मिक्स कर दूंगी। मेरे हाथ में कैमरा था इसलिए मुझे मुश्किल हो रही थी थोड़ी। मैंने इसको आधे घंटे के रेस्ट पे रखा और फिर इसके बाद मैंने डो ले ली और उसको लंबा सा करके रोटी की तरह गूंद लिया ताकि इसके प्यारे से डोनट बन सकें। आप लोग छोटे भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं। अब मैं डो को अच्छे तरीके से गोल करूँगी और फिर इसके बाद इतना बड़ा सा इसका पेड़ा बना दूँगी ताकि ये अच्छे से बन जाए डोनट। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को मेरी मज़े मज़े की रेसिपी रोज़ देखने को मिले और बाकी वीडियोस भी रोज़ देखने को मिले जिस तरह आप लोग देख रहे हैं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और ट्राई इसको ज़रूर करें इन रेसिपी को। तो अब मैं आप लोग को डोनट्स का बता देती हूँ। मैं अभी से कट कर रही हूँ गोल सा, मैंने कोई सा भी बोतल का ढक्कन ले लिया, दो बोतलों का ढक्कन, और फिर इसको डोनट बना दिया। आप लोग अगर जो भी शेप की चीज़ पड़ी हो ना गोल मतलब, तो आप लोग उसका डोनट बना लेना। ज़रूरी नहीं है आप लोग के पास डोनट के टूल्स होना, बहुत ज़रूरी है, आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने चॉकलेट ले लिया, सिर्फ चॉकलेट को मैं अकेला सा हल्का सा दूध डाल के गर्म करती हूँ, इसके अलावा कुछ ऐड नहीं करती वरना चॉकलेट गाढ़ी गाढ़ी नहीं रहती है। तो मैंने हल्का सा दूध ऐड किया और चॉकलेट को बस मिक्स कर लिया और मेरी चॉकलेट गनाश बन गई थी। ये डोनट्स को मैंने डाला था घी में और उसके बाद इसको थोड़ा सा पकने दिया था, 10 मिनट तक मैंने इसको पकाया था, फिर इसके अंदर चॉकलेट ऐड की। आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं चॉकलेट काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी बनी है। और आप लोग, यही रेसिपी मेरी यहाँ पर ख़त्म होती है। मैं अब मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।